वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम Insta360 से वीडियो ले रहे हैं और ये देखिए कैसे लोग झूमते हुए जा रहे हैं। ये मैं और मेरे भैया, मैं पीछे बैठा हूँ। ये देखिए लोग और नज़ारे और मौसम, जब तीनों एक साथ मिल जाए तो समझ जाइए कि महादेव ने पुकारा है हरिद्वार में। हरिद्वार में एंट्री के साथ ही हमें पुलिस वालों की व्यवस्था दिखी, जिसे देख के हम बहुत खुश हुए क्योंकि जाम ये लगने दे देते थे। देखिए और इसी के साथ हम नज़ारे दिखाते हुए की जय हो, जिसने हरिद्वार में डीजे बजवा दिए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा राइट वाला रोड जो आने का रास्ता है वो बिल्कुल ही जाम है। हम देख के शौक हो।
और उतनी ही भीड़ जा रही है, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा भीड़ जा रही है। हाँ, तो हम यहाँ पर सोच रहे थे कि रहने की व्यवस्था कहाँ मिलेगी, या होटल या कोई आश्रम, कोई अच्छी जगह मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ जा रही है उस हिसाब से तो मिलना मुश्किल ही था। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 3 दिन का रेनफॉल है, जिसको हम देख रहे थे जिस तरह से गंगा रिवर का फ्लो ऊपर आ रखा है। तो हम सोच रहे थे कि हम कैसे कैसे नहाएंगे, अलग अलग मन में सवाल उठ रहे थे इस टाइम पर। तो फाइनली जाके हमने स्टे किया और गंगा जी की शाम की आरती के लिए हम निकल गए। हर हर गंगे बोलो। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हरिद्वार में। हरिद्वार में देख रहे हो बारिश कितनी हो रही है, और जैसे कि आप देख रहे हो इतना रश है, और होटलों में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पर। तो जो भी फैमिली के साथ आ रहे हैं वो तो अवॉइड ही करें अभी आना, और रेड अलर्ट पे चल रहा है अभी। बोलो ना, धूम मचा रखी है अपनी गाड़ी। चलो दिखाता हूँ कुछ दिखता है तो है कुछ। हेलो गाइस, उत्तराखंड सरकार ने 2 दिन का अलर्ट कर रखा था, रेड अलर्ट पे था हरिद्वार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये नाला है ना कि ये गंगा है। जैसा कि आप देख रहे हो ये ही पानी जाके गंगा में मिल रहा है, और ये कितना दूषित पानी है। वैसे तो ये रेन का ही पानी है, लेकिन फिर भी नाले का तो नाले का पानी होता है। Thank you.
गंगे बोलो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर लोगों ज़्यादातर लोगों ने रेन कोट पहने हुए हैं, जिससे ही वो एलियन जैसे लग रहे हैं, तो मुझे ऐसी भी आई, पर ये चीज़ ठीक भी है पहनना, इससे सेफ रहते हैं। आगे देखिए, ये है गंगा जी का पुल, हम गंगा के आरती के लिए निकले हुए हैं और अब दूसरे छोर पे जा रहे हैं। लेट्स सी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें कुछ लोकल्स मिले हैं जो कि गंगा के किनारे ही रहते हैं, ये कोई डांस कर रहे थे, म्यूज़िक में डाल नहीं रखता था क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये देख रहे हो कैसे जंप कर रहे हैं। पर भी हमने नोटिस किया कि नाले का पानी जो कि रेन से आ रहा था बहुत हैवी प्रेशर से, ये देखिए कितने प्रेशर से गो रही गंगा में जा रहा है सारा। यहाँ पर हमने नोटिस किया कि कुछ लोग बारिश में थक गए थे, पर कोई गंगा किनारे पे जाना मतलब दूर नहीं समझ रहा था अपने आप को, क्योंकि सब अब आरती के लिए ही वेट कर रहे थे। और यहाँ पर आके हमने देखा कि यहाँ पर तो पूरा हुजूम आ रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और देखिए कैसे कितनी भीड़ है, और हर कोई अपनी फ़ोटो से फ़ोटो ये सब चीज़ें ये नज़ारे और ये खुशियाँ और यहाँ की मस्ती सब अपने फोनों में कैद करके ले जा रहे थे। रात को ये डाकावड़ वाले हैं सारे, और ये सब अपनी मस्ती में मगन थे, सब खुश थे, सब अपने मस्त भोले का नाम लेते खुश एकदम, ना कोई थकान ना कुछ।